खमागानी दोस्तों, मैं तुषार कपूर आ रहा हूँ गुलाबी नगरी जयपुर में 24 सितंबर को राजस्थान फिल्म फेस्टिवल होस्ट करने के लिए। हम सब मिलकर बनाएंगे इस रंगीन बेहतरीन शाम को और भी रंगीन और यादगार। तो मुझे इंतजार रहेगा आप सबका। बिकाजी एंड इंजन मस्टर्ड ऑयल प्रेजेंट्स ओसवाल सोप ग्रुप राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 10th अवार्ड सेरेमनी के रंगीन दुनिया में, जहां हम जिएंगे हमारे देश के अलग अलग कंट्रीज को एक साथ। सो मार्क योर कैलेंडर्स 24th सितंबर 2022 एट द मान पैलेस जयपुर। सी यू ऑल, लव यू ऑल, जय हिंद। गुड मॉर्निंग। ओके, थैंक यू फादर पॉल एंड थैंक यू चिन्मय मैम, आप लोगों ने हमको परमिशन दी दैट वी कैन परफॉर्म हियर दिस फन एक्टिविटी एंड थैंक यू वेरी मच सर। अभी बहुत मज़ा आने वाला है सर, आई एम श्योर आपको भी अपना स्कूल के बच्चों के टैलेंट देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, आप लोग बताएं हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं? नहीं ठीक, वो फौज को पता है, मैं आप लोग को बताता हूँ। हम लोग राजस्थान फिल्म फेस्टिवल से, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल एक ऐसा फिल्म फेस्टिवल है जिसमें राजस्थानी रीजनल सिनेमा में जो भी एक्टर्स है, टेक्नीशियंस है, वो लोग सब मेहनत करते हैं, तो हम उनकी मेहनत को इनकरेज करते हैं कि वो अच्छा और करें, इसलिए हम उनको अवार्ड्स देते हैं, ठीक है। और साथ ही राजस्थान फिल्म फेस्टिवल एक ऐसा फिल्म फेस्टिवल है जिसमें इंडिया की दूसरी और लोकल रीजनल लैंग्वेजेस को भी प्रमोट किया जाता है। एंड आपने तो सुना ही होगा मोदी जी कहते हैं गो वोकल फॉर लोकल, ठीक है। एक बार सब बोलो वोकल फॉर लोकल। चलिए ठीक है, ये जो हमारा फिल्म फेस्टिवल है वो होने वाला है 24th सितंबर को मान पैलेस में, ठीक है। और इसको होस्ट करने वाले हैं तुषार कपूर और को होस्ट हैं हमारे कोमल नाथा, ही इज अ ट्रेड एनालिस्ट एंड अ फिल्म क्रिटिक। सो इसी के रिगार्डिंग हम लोग एक प्रमोशनल एक्टिविटी करने वाले हैं एक घंटे की, ठीक है। सो शैल वी स्टार्ट? आई कांट हियर यू। ओके देन लेट्स स्टार्ट। 10th बीकाजी एंड इंजन मस्टर्ड ऑयल प्रेजेंस ओसवाल सोप ग्रुप राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022 powered by texture and hues from the house of mayur unicorters broadcast partner jan tv and supported by spineman mattress and shiv jeweler. So we should start with our first performance. Kya hamari first performance ready hai? Acha pehle to sabke naam mein puch deta hu ek bar. Srishti, navya, lakshya, managya saraswat. Managya saraswat. Acha chaliye theek hai, bahut acha naam hai. So inka song ready hai? Shivam, is the song ready? चलो इनको हम बढ़िया सा गिफ्ट टैंपर देते हैं फ्रॉम बीकाजी, प्लीज बीकाजी गिफ्ट टैंपर्स। आपका नाम? एंजल। लक्षता। बिस्मी। बिस्मी क्या मतलब, क्या होता है? आई डोंट नो। चलिए ठीक है। रंगीला भारत ढोलना
मजा आ गया, क्या बात है, शानदार परफॉर्मेंस, मजा आ गया। और हम उनको देते हैं बीकाजी के गिफ्ट टेम्पर्स प्लीज। और साथ में एक और चीज मैं देने वाला हूँ आप लोगों को, ये हमारा जो है अवार्ड नाइट जो है राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का, उनका इनविटेशन है और एक इनविटेशन पास पे आप लोगों की 4 एंट्रीज हो सकती है, ठीक है। ये भी हमने इनको गिफ्ट किया है, सो डू कम, ठीक है। बहुत ही अच्छा और शानदार शो होने वाला है, क्योंकि हम तो करने वाले हैं इसलिए हम लोगों को पता है, ठीक है। निशाने हूँ मैं मारती, आँख भर में से भर के तैयार की, खींच खींच के निशाने हूँ मैं मारती। खुद ज्यादा तू उम्मीद मत रख सोने, ज्यादा तू उम्मीद मत रख सोने, तेरा लेवल नहीं मेरे यार वर्गा। बंदिया नु सूली उत्ते टंगी रख दे, मेरा नखरा है तिखी तलवार वर्गा। बंदिया नु सूली उत्ते टंगी रख दे, मेरा नखरा है तिखी तलवार वर्गा। मजा आ गया, क्या बात है, एक दिन का परफॉर्मेंस लेकिन शानदार, तोड़ परफॉर्मेंस, जानदार परफॉर्मेंस। इसके लिए हम उनको देते हैं बीकाजी का गिफ्ट हैम्पर प्लीज। चलिए सॉन्ग रेडी, पहले नाम बता दो। वृंदा शर्मा। वृंदा शर्मा। डिड यू ऑल हियर, सुनाई दिया आप लोगों को? चलो ठीक है। इनको देते हैं बीकाजी का गिफ्ट हैम्पर प्लीज। चलिए हर लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, देख तेरा रंग सावला हुआ बावला, लड़की नहीं है तू है गरम मामला, बोलती बंद मेरी कहूं क्या भला, कुछ भी कहा नहीं जाए। लंदन मटक मटक जैसे रवि नटंडन, नाग लगाने आई है बंधन, गोली चल गई धाए। मगर विलती ईगो में रहती, मगर विलती ईगो में रहती, टशन दिखाती फुल, अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। I'm just
बहुत ही शानदार, मजा आ गया कुणाल. ऐसी परफॉर्मेंस के लिए हम इनको देते हैं ओसवाल का गिफ्ट हैम्पर प्लीज. ओसवाल सोप ग्रुप जो साबुन के साथ साथ दूसरे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में भी डील करते हैं. ढोल नहीं बाजे, तालियां बाजे. अब तो फादर पॉल ने भी क्लैप कर दिया है, तो इनको शानदार गिफ्ट हैम्पर फ्रॉम इंजन. शुद्धता भरोसे हमारे भरोसे, इंजन मस्टर्ड ऑयल. In my world, the number one hottie. Everywhere she make him go crazy. Par kill karna uski homie. बहुत ही मजा आ गया करण, शानदार परफॉर्मेंस. और इनको हम देते हैं बीकाजी का गिफ्ट हैम्पर प्लीज. बीकाजी गिफ्ट हैम्पर. किरदा का जुनूता दीमता, किरदा का जुनूता दीमता, किरदा का जुनूता दुमता धूमता ना 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 धूम धूम ता ना 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 धूम धूम आगपा धूम धूम ता ना ना धीरा ना 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 धूम धूम आगसा राइड द धूम द दा ना धीरा ना 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 Come now, follow my lead. Come now, follow my lead. Gama bala gama esa, gama bala gama esa, gama bani pa gama ma,
क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया, शानदार। आप लोग आया कि नहीं आया? आ गया, चलो ठीक है। तो हम इनको देते हैं ओसवाल का गिफ्ट हैंपर, प्लीज। ओसवाल सोप ग्रुप जो साबुन के साथ साथ दूसरे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में भी डील करते हैं। आपका नाम क्या है? अनुष्का। अनुष्का शर्मा के लिए तालियां। मजा करो, पूरा नाम बताओ। अनुष्का जांगिड। चलिए ठीक है, अनुष्का जांगिड का परफॉर्मेंस रेडी है, चलिए ठीक है। मजा आ गया, शानदार। फादर पॉल ने क्लैप किया है तो भैया इंजन का गिफ्ट हैंपर लेके आ जाओ प्लीज। शुद्धता भरोसे, हमारे भरोसे इंजन मस्टर्ड ऑयल। ये इनविटेशन है अवार्ड नाइट का, एक इनविटेशन, चार एंट्रीज, ठीक है? डू कम विद योर फैमिली। हाँ, अगला परफॉर्मर कौन है? आपका नाम क्या है? अश्लेषा। अश्लेषा श्रीवास्तव। सर सॉन्ग रेडी? ठीक है। बीड़ी
शानदार परफॉर्मेंस, मजा आ गया. इनको हम देते हैं कि बीकाजी के गिफ्ट हैम्पर्स प्लीज. एंड कम बीकाजी गिफ्ट हैम्पर्स. वैसे शांति नहीं बनानी है, हंसना है, ठीक है? तो हाय, आई एम अमन सिंसिनवार और मैं यहाँ कॉमेडी कर रहा हूँ शायद. सो आई वेंट टू माई सर येस्टरडे, दैट सर आई एम परफॉर्मिंग अ स्टैंड अप कॉमेडी, सो प्लीज़ कैन यू सजेस्ट मी सम जोक्स. सो ही टोल्ड मी कि अमन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट स्टैंड अप बिकॉज व्हेन यू स्टैंड यू आर ऑलरेडी अप. मैं कहा सर अगला जोक आप बाद में बताना, ठीक है? तो आई एम इन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड और मेरे क्लासमेट भी ट्वेल्थ में. तो हमें ये भरोसा नहीं हो रहा कि हम लोग ट्वेल्थ में आ चुके हैं. हमें लग ही नहीं रहा हम सबसे सीनियर है क्लास में. जैसे मेरा दोस्त बैठा था मेरे साथ में इधर, तो एक क्लास में लड़की आती है, तो मैं बोलता हूँ, मैं कहा भाई यार ये थोड़ी बड़ी सी नहीं लग रही? हाँ होगी सीनियर, मैं ट्वेल्थ में है. हाँ तो ट्वेल्थ में होगी, ट्वेल्थ में अपन है. कहता सॉरी. तो फिर अगले पीरियड में और एक आती है, तो कहता यार बड़ी तो यार ये भी लग रही है. मैम है वो, क्या बोल रहा है पागल? यू नो वॉट, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग स्टैंड अप इन दिस स्कूल. आई डिड इट इन लास्ट ईयर्स फेयरवेल एज वेल. तो उस टाइम पे सब लोग हंस रहे थे, तो बीच में मैम ऑफेंड हो गई और मैम बच्चों को डांटने लग गई कि हे दीज आर योर मैनर्स, दीज आर योर एटिकेट्स. बच्चा वहां स्टेज पे खड़ा है और तुम लोग उस पे हंस रहे हो. वैसे मैंने झूठ बोला, कोई हंस नहीं रहा था. तो लेट मी टेल यू, ये स्कूल तो अच्छा है. लेट मी टेल यू अबाउट माई फर्स्ट स्कूल. दैट स्कूल इज लोकेटेड इन पठानकोट पंजाब. तो उस स्कूल की एक बात थी, क्योंकि वो आर्मी का स्कूल था, तो डिसिप्लिन बनाने के लिए वो मारते ही रहते थे, सिर्फ मारते थे स्कूल में. चल रहा है बच्चा, मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. तो उस स्कूल में हमें ये लगता नहीं था कि इसमें कुछ गलत है. हमें लगता था क्या ही गलत है, मुँह से बात की, मुँह पे स्केल मार दिया, क्या ही गलत हो गया इसमें. हाँ तो उस स्कूल की में मेरा एक दोस्त था, आई विल नॉट टेक द नेम एज वाई टू एक्सपोज हिम, गजेंद्र राजावत. सो वी यूज टू कॉल हिम गोटी बिकॉज वाई नॉट. तो वो गोटी की मैं अपेयरेंस बताता हूँ. ही वॉज अ शॉर्ट हाइटेड पर्सन, मतलब बहुत छोटा, लोग छोटे होते हैं, वो जरा सा ही था. तो वो जरा सा ही था, तो वो जरा सा ही था. उसको पग ने दो बार पेट पे काट लिया था, पग ने पेट पे. तो वो ऐसे झुका हुआ था एकदम पीछे, ऐसे अफ्रीका के मैप जैसा, और वो पतला सा था, ऐसे खड़ा हो जाए तो दिखता नहीं था. तो उसके वो इतना बेवकूफ़ था, उसके मम्मी पापा भी उससे परेशान थे. उसकी फ़ोटो OLX पे डाल रखी थी. और उसकी एक बात थी, वो हर जगह परमिशन लेके जाता था, किसी भी कमरे में बिना परमिशन के नहीं जाता था. अगर परमिशन ना दो तो वो अंदर ही नहीं जाता था, इसलिए वो उस कमरे में जा नहीं पाता था जिसमें कोई ना हो. हम इनको देते हैं बीकाजी का गिफ्ट हैम्पर प्लीज़. हेलो गाइस, माय नेम इज क्षितिज पारिक एंड आई एम गोना टॉक अबाउट मिडिल क्लास फैमिली. लाइक कौन कौन है जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं? लाइक अच्छा है, तुम्हें पता है तुम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन दिक्कत उनके लिए आती है जिनको पता ही नहीं कि वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते. लाइक मेरे को कौन लोग हैं जो भूखे भी नहीं मर रहे और स्प्लेंडर भी नहीं खरीद पा रहे? ये लोग बाजार जाते, अंगूर खरीदने नहीं होते, दो तीन उठा के खा लेते. सबके घर में अच्छी बातें चल रही है, लेकिन मेरे फैमिली में क्या बात चल रही है? पार्ले जी में पहले 16 बिस्कुट आते थे, अब 12 ही आते हैं. पार्ले जी ने 16 से 12 किए, 16 से 14 किए, हमने बहन की शादी करा दी. 14 से 12 किए, हमने भाई को दुबई भेजा. 12 से 10 किए, हमने दादी की दवाई छुपा दी. दादी बहुत याद आती है यार. आजकल क्या होता है कि बेबी के लिए प्रोडक्ट आ चुके हैं, बेबी के लिए बहुत सारे कॉस्मेटिक्स आ चुके हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं. लेकिन हमारे टाइम पे क्या होता था, सिर्फ दो ही साबुन चलते थे, एक तो मेडेमिक्स और दादा हम्माम. मेरा भी एक ड्रीम था यार कि पियर साबुन में से आर पार देखेंगे. मैं कभी स्टोर चले भी जाता था, मम्मी को बोलता मम्मी पियर साबुन दिला दो, मम्मी कहती नहीं बेटा महंगा साबुन है, बट डब्बे नहीं लाएंगे तुम्हें.
और पहले क्या होता था, मैं रोता था, तो अभी बच्चे रोते हैं, तो बच्चों के लिए क्या होता है कि अच्छे अच्छे मतलब टॉयज आ चुके हैं, लाइक बच्चे अभी रोते हैं ना, मैं रोता था, मम्मी किचन में जाती थी, कटोरी ले आती थी। चलिए शानदार परफॉर्मेंस, और इनकी परफॉर्मेंस इनको देते हैं बीकाजी का गिफ्ट हैम्पर। हेलो एवरीवन, आई एम विराज ऑफ क्लास 10th है। मैं एक टीनेजर हूँ, तो बाकी आप समझ ही जाओ मैं क्या दुख व्यक्त करने आया हूँ। हम क्लास 10th में आ गए, अभी अभी 10th की हवा लगी है हमें, हमें लग रहा है हम बड़े हो गए, घर वालों को नहीं लग रहा, घर वालों के लिए हम छोटे ही हैं। और घर वालों को अलग है यार, उनको जब कोई रिस्पॉन्सिबल काम करवाना होता है तो बोलते हैं 15 साल के बूढ़े हो गए हो तुम, और जब कोई इंडिपेंडेंस की बात आती है तो बोलते अच्छा इतने बड़े हो गए। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि अभी स्कूल स्टार्ट हुए तो पापा बोलते हैं बड़े हो गए हो तुम, जाओ अपने आप स्कूल बस की क्या जरूरत है। मैंने कहा पापा ठीक है बाइक दिला दो, पापा कहते हैं नहीं 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 बाइक से तुम बिगड़ जाओगे। मैं बाइक से कैसे बिगड़ जाऊँगा, बाइक कौन सा बैठ के मुझे गालियाँ सिखाएगी। और सबकी फैमिली के माइंडसेट अलग अलग क्यों होते हैं? मेरे दोस्तों के फैमिली के माइंडसेट ओपन माइंडेड हैं और मेरे इतने नैरो माइंडेड क्यों हैं? मेरा दोस्त 3 घंटे तक अपने घर से बाहर था, उसके घर वालों ने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा। मैं ट्यूशन से आने में लेट हो गया, मेरे पापा ने नेशनल इशू कर दिया था। कुत्ते पीछे पड़ गए थे, मैं तो दूसरी गली से आना पड़ा। और फैमिली और दोस्तों को कोऑर्डिनेट करना सबसे मुश्किल काम है दुनिया का। मेरे घर वालों को लगता है कि मेरे दोस्त दोस्त नहीं है, वो हैं जीते जाते राक्षस। मेरे बर्बादी का कारण यही है, जो सच बात भी है। आप कभी दोस्तों के सामने अपने पेरेंट्स का फ़ोन उठा के देख लो, ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं खुद को शर्म आ जाए, माइक पे तो बता भी नहीं सकता मैं। पापा बाद में पूछते हैं क्या चल रहा था वहाँ, मैं मुझे नहीं पता, मेरे दोस्त नहीं थे वो। अरे इधर आओ कहाँ जा रहे हो, अपना गिफ्ट तो लेके जाओ। Thank you.
शानदार गिफ्ट हैम्पर लेके आ जाओ फ्रॉम इंजन. शुद्धता भरोसे हमारे भरोसे इंजन मस्टर्ड ऑयल. तो इनकी शानदार पहुंच के लिए हम इनको देते हैं बीकाजी के गिफ्ट हैम्पर्स प्लीज. मैम गुड मॉर्निंग. मैम गुड मॉर्निंग. मैम कैन वी स्टार्ट द इंटरव्यू? यस वी कैन. मैम आपकी जो फिल्म थी लीगल डिटेक्टिव, मैम उसमें आपका जो लीड रोल था, मैम आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. मेरी काफ़ी इंपॉर्टेंट फिल्म है ये करियर की, बहुत खुशी हो रही है. ओके मैम. मैम बट न्यूज़ में तो ये आया था कि स्टार्टिंग इस फिल्म के लिए मना कर दिया था, बट डायरेक्टर की रिक्वेस्ट पे यू सेड यस. मैम व्हाट्स द रीज़न फॉर दैट? हाँ उससे मेरा शेड्यूल काफ़ी बिजी था और मैं अपने दूसरे प्रोजेक्ट में काफ़ी बिजी थी, तो डेट्स वाई. ओके मैम. ओके मैम. मैम नॉट द नेक्स्ट क्वेश्चन. जस्ट अ सेकेंड. कितना एटीट्यूड है, सेलिब्रिटी है तो कुछ भी बनेगी क्या? इसका मतलब ये थोड़ा है कि इंटरव्यू बीच में छोड़कर चल जाए. हम लोगों का भी तो टास्क है, हम कौन से फ्री हैं. नाउ वी हैव टू कम अगेन फॉर इंटरव्यू बाय टेकिंग परमिशन, सो लेट्स गो. लेट्स गो. कितना आसान होता है ना दूसरों को जजमेंट पास करना, बिना कुछ जाने बिना कुछ सोचे. बीकाजी के बस प्लीज. वॉल्यूम बढ़ाओ. अगे पीछे नेड़े गेड़े मारदा फेरा कमला है क्यों तेरी अखां उत्ते हारदा रे अनी कुड़ी हाय समझणी आंदी ए सोणी ए हाय हाय समझणी आंदी ए दिल तेरे अगे पीछे नेड़े गेड़े मारदा शिमी शिमी आ शिमी आ शिमी आ ड्राइव स्वाला ला ला ड्राइव स्वाला ला ला स्वाला ला ला Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink. Swalla, la, la. Agla wa majboori nu, aan jaan di pasuri nu, zehar bane haan teri, peja wa main puri nu. वो एक इंजन का गिफ्ट हैम्पर लेके आए प्लीज. शुद्धता भरोसे हमारे भरोसे इंजन मस्टर्ड ऑयल. Freaky. I love the night, but my money like my lobby. I'm a dog, kill a kitty, no apology. But you wanna get crazy, crazy. Try to take a soul, then chitty, chitty. Upsara,
A gift from Bikaji, please. Bikaji gift hampers. Arey, ruko. Thank you. Second last performance. Pulkit, second last performance hai mara. Three more. Acha, mera ganit kharab hai. Arey, kaun hai? Aajao. Solo dance. Solo dance, I know. Naam kya hai? Shan. Shan. Shan ke liye shandar taaliyan. क्या बात है शान, शान वाली परफॉर्मेंस थी. अरे वाह क्या बात है. बीका जी का गिफ्ट हैम्पर प्लीज. बीका जी गिफ्ट हैम्पर. चलने दो ऑन पब्लिक डिमांड. अरे वाह. हाँ तो हम शेखावत को देते हैं ओसवाल का गिफ्ट हैम्पर प्लीज. ओसवाल सोप ग्रुप जो साबुन के साथ साथ दूसरे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में भी डील करते हैं. We'll be right back.
अब देते हैं इनको एक ओसवाल का गिफ्ट हैम्पर प्लीज। ओसवाल सोप ग्रुप जो साबुन के साथ साथ दूसरे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में भी डील करते हैं। बनाया हर किसी के लिए। बहुत ही अच्छा था, शानदार। बीका जी का गिफ्ट हैम्पर प्लीज। और हाँ, एक और चीज मैं आप लोगों को, दो चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वोट ऑफ थैंक्स टू द एंटायर मैनेजमेंट ऑफ सेंट एंसेलम्स कि उन्होंने हमको परमिशन दी हम यहाँ पे कि ये फन एक्टिविटी कर सके। सेकंड, 21st ऑफ सितंबर को कॉम्प्यूकॉम कॉलेज इन सीतापुरा वहाँ पे इंटर स्कूल इंटर कॉलेज डांस कॉम्पिटिशन होने वाला है जिसके विनर को मिलेंगे 21,000 रुपये का कैश प्राइस और रनर अप को मिलेगा 11,000 रुपये का कैश प्राइस। इसकी जो डिटेल्स हैं हम चिन्मा मैम के साथ में शेयर कर लेंगे और इसमें 10 से 15 लोगों का एक डांस ग्रुप होगा जो वहाँ पे कम्पीट कर सकता है, ठीक है। और जो टीम वहाँ पे जीतेगी वही टीम हमारे राजस्थान फिल्म फेस्टिवल अवार्ड नाइट 24th of September को सेलिब्रिटीज के सामने परफॉर्म कर सकती हैं, ठीक है। चलिए, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, थैंक यू। खमागणी दोस्तों, मैं तुषार कपूर आ रहा हूँ गुलाबी नगरी जयपुर में 24 सितंबर को राजस्थान फिल्म फेस्टिवल होस्ट करने के लिए। हम सब मिलकर बनाएंगे इस रंगीन बेहतरीन शाम को और भी रंगीन और यादगार। तो मुझे इंतजार रहेगा आप सबका। बीकाजी एंड इंजन मस्टर्ड ऑयल प्रेजेंट्स ओसवाल सोप ग्रुप राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 10th अवार्ड सेरेमनी के रंगीन दुनिया में, जहां हम जिएंगे हमारे देश के अलग अलग कंट्रीज को एक साथ। सो मार्क योर कैलेंडर्स 24th September 2022 एट द मान पैलेस जयपुर। सी यू ऑल, लव यू ऑल, जय हिंद।